गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे कैमल के ये वाले वाटर कलर ट्यूब जो कि आप देख सकते हो। और ये मैं अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कि अब से मैं वाटर कलर्स भी करने वाला हूँ। स्केचिंग तो मैं करते ही हूँ, अब से मैं वाटर कलर्स भी करूँगा। तो उसके लिए ब्रशेस भी हैं, पैलेट भी है, तो वो सारे सब कुछ मैं दिखाऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो येलो कलर मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर पे एक बनी हुई है सीनरी टाइप की, इधर पे एक ब्रश है और एक ट्यूब है, एक कैंडिंग को बोल है। और इधर ट्यूब्स मैंने परचेस किए हैं बिकॉज केक्स मेरे को थोड़े अच्छे नहीं लगते थे। और ये देखिए साइड में भी कुछ इसी तरीके का है वाटर कलर ट्यूब्स कैंडिंग, 12 शेड्स मिल जाते हैं और सेम की इस साइड पर है और सेम चीज़ इस साइड पर। तो बात करते हैं बैक साइड की, तो आप देखिए इस तरह से पीछे पीछे इधर पर हमें दी है शेड्स इन दिस बैग। तो आप देखिए तो बढ़िया है और कुछ तो मेरे को पता ही नहीं है कुछ ऐसे कलर्स हैं। और पूरा वाटर कलर की स्कैनिंग शेड और जैसे कुछ टेक्सचर्स लिखे हुए हैं जो कि हम बना सकते हैं कलर्स का यूज़ करके। और इधर पे ड्रेस वगैरह है, उसकी क्वांटिटी है 12 ट्यूब्स हैं और एक एक ट्यूब में 5 ml है। तो ठीक है, काफ़ी चल जाएगा बिकॉज वाटर कलर्स में वाटर ज़्यादा होता है कलर कम होता है। तो इधर प्रोडक्ट के वाटर कलर और शेड्स डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं और इसकी एम आर पी इस पर लिखी हुई 100 rupees। बट ये अगर आप ऑफलाइन करोगे तो आपको मिल जाएगी 90 या 95 rupees में। और ये पैकिंग डेट है और ये वार्निंग भी है कि 3 साल से ऊपर वाले बच्चे ही यूज़ करें, 3 साल से कम वाले यूज़ ना करें। वो साल पर रहते हैं उनको यूज़ करना आते ही नहीं होगा। कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे अभी होते हैं कर लेते हैं। तो अभी इस पैक खोलते हैं। वैसे इसके ऊपर एक पॉलीथीन थी जो कि मैंने निकाल दी, तो उसमें फर्स्ट टाइम में देखने के बाद काफ़ी तरीका था मैंने खोल दिया। बट फिर भी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो इसको खोलते हैं। स्लाइड से खुलता है ये कुछ इस तरीके का, 12 ट्यूब्स मिल जाते हैं हमें इसमें। ये आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। तो हम एक ट्यूब को उठाते हैं, ये आप देख सकते हो। तो इधर पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ कैमल स्टूडेंट्स वाटर कलर, इधर पे स्टूडेंट्स है और लेमन येलो लिखा हुआ है, 5 ml है, 11 ml कुछ और है। बट इधर पर स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ है, इधर पर लिखा था क्या चेक करें, इधर पर गलत प्रिंट हुआ है, इधर समझ में नहीं आ रहा। बट ट्यूब आप देख सकते हो प्लास्टिक में है। एक बार मैंने अपस्ट्रा की भी थी बट वो मेटल में थी तो मेरे को ठीक भी नहीं लगी, तो मैं उनको ज़्यादा यूज भी नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। तो ये कुछ इस तरीके के 12 शेड्स मिल जाते हैं, येलो लाइट ग्रीन, येलो डार्क ब्लू, ऑरेंज, स्काई ब्लू, वाइट, ब्लैक, ये ब्लू कलर है, डार्क ग्रीन है, ये रेड है और ये भी ब्लू कलर है। बट इसके पीछे इसके थोड़े डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं क्योंकि ये तो हम नॉर्मली बोलते हैं बट इसके कुछ अलग अलग नेम हैं लिखे हुए हैं। ये वाला तो सेम लेमन येलो जो तो हर जगह मतलब लेमन येल्लो ही यूज होता है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसी तरीके के हैं ये ट्यूब्स। तो इसके अंदर देख लेते हैं किस तरीके के है, मैंने सारे निकाल लिए। इस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, आप देख सकते हो ब्लॉक्स में डिवाइड है। ये प्लास्टिक का है और ये पूरा बॉक्स कार्डबोर्ड का है। तो अभी मैं इनको रख लेता हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि जो जो मैंने ब्रशेज लिए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अभी ब्रश को देखते हैं। ये कुछ इस तरीके के ब्रशेज हैं, ये मैंने लूज परचेस किए थे बिकॉज इधर पर पैक नहीं मिल रहे थे। पैक मैंने डिसाइड किया था कलर असल कम लें तो वो तो मिले नहीं, मेरे को लूज ही लेने पड़े। और ये कंपनी है डायमंड की, अच्छी है। और ये तो मैंने अभी परचेस किए थे बट ये मेरे पास दो पुराने हैं, दो भी नहीं एक इसमें है। ये 3 ब्रशेज मैंने पहले परचेज किए थे जिसमें कलर भी इसका ऐसे है,
इसका रेड है, इसका थोड़ा ग्रीन सा है। और वैसे तो ये वाला मैं यूज़ करता हूँ नंबर 5 का, ब्लेंडिंग के लिए स्केचिंग में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं ये भी यूज़ करता हूँ। और ये बिल्कुल फाइन डिटेलिंग करने के लिए इसको भी मैं करता हूँ। और ये पेंटिंग के लिए है, ये साइज़ 1 है, ये 2 है और ये 5 है। 2 और 5 का मैं शेडिंग में ये अलग निकाली और इनको साइज में कर देता हूँ। तो अब देखिए कि ये कुछ है, मैं रबर बैंड में बांध लिया खोलता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है, अब देखिए कि डायमंड कंपनी है, डायमंड काफ़ी अच्छी है। तो मैंने लिए हैं 0, 4, 5, 3, 2 एंड 2 का फ्लैट वाला जो है और 1 राउंड है। और ये मेरे पास पहले से था तो 1 मैंने लिया नहीं। तो यही कुछ ब्रशेस हैं। और ब्रशेस के साथ ही एक पैलेट थी जो कि आप देख सकते हो, ये तो बहुत पहले से रखी हुई है घर में मेरे, जो कि भैया यूज करते थे बट अभी मेरे काम आ रही है। ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, देख सकते हो 5 ब्लॉक्स और एक बड़ा वाला मिक्सिंग करने के लिए। और कुछ लोग जुगाड़ू होते तो वो यहाँ पे भी कर लेते हैं, मैं भी घर पे ही कर चुका हूँ तो इसको भी यूज़ करेंगे। और पहले मेरे पास एक कलर थे ये वाले डॉम्स का, आप देख सकते हो, बट ये मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, मैंने यूज़ भी नहीं किए हैं ठीक से। तो आप चाहो तो ले सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैमल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया थे वही लो, तो आपके लिए बेटर होगा। तो आप देख लीजिए, यही चीज़ें कुछ मैंने परचेज की थी फिर आप देख सकते हो। और एक ख़ास बात है ब्रश की, डायमंड के उसके ये ब्रश हैं या फिर उसके ब्रिस्टल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज़ मैंने हाथ में ले ली है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये भी डायमंड का डब्बा, ये पहले बहुत सॉफ्ट था बट काफ़ी यूज हो गया, मैंने थोड़ी बहुत पेंटिंग में भी यूज़ किया था तो ये उतना नहीं है, बट ये बिल्कुल नए वाले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आप लूज़ परचेस करते हो तो आप बोल देना कि डायमंड कंपनी के ब्रशेज दे दो, आप साइज आप खुद खुद को ले जा सकते हो। तो ये देख लीजिए यही है मेरे मटेरियल्स जो कि मैं यूज़ करूँगा, अब से मैं पेंटिंग भी करूँगा तो मैं इन सभी का यूज़ करने वाली हूँ। तो पेंटिंग भी करूँगा मैं आपसे, स्केचिंग तो मैं करते ही रहता हूँ और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट होगा। कल तो मैं प्रैक्टिस भी करूँगा, वीडियो भी डालूँगा इनकी। तो ये कुछ चीज़ है, तो ये पैलेट भी ज़्यादा महंगी नहीं होगी, 50 या 60 रुपीज़ की मिल जाएगी आज के दिन, पहले तो बहुत सस्ती होगी, 30 या 40 की महंगी होगी, मेरे को पता नहीं था। तो आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यूज़ कर सकते हो तो डायमंड करो या फिर फैबर का सिल्क है। डोम्स के भी लूज परचेज आते हैं तो घर पर मिले नहीं तो मैं वही ले लेता, यही थे डायमंड के। तो ये सारे डायमंड हैं जितने भी हैं मेरे पास। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मैं जल्दी ही एक पेंटिंग या स्केच के साथ मैं जल्दी किसी नई वीडियो में मिलूँगा। तो अभी के आज की इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी के लिए बाय।